बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आप लोग ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी तो नाज़रीन, हमारा आज का व्लॉग है लिबर्टी मार्केट का। लिबर्टी मार्केट बहुत ही मसरूफ़ तरीन मार्केट है और लाहौर की मशहूर मार्केट है। तो मेरा आज का व्लॉग मेरी ख़ास तौर से उन बहनों के लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है कि जो बुटीक का काम स्टार्ट करना चाहती हैं और उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए बुटीक का काम स्टार्ट करने के लिए। तो मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं इस व्लॉग में आप लोगों की हेल्प कर सकूं, आप लोगों को बता सकूं कि आप लिबर्टी मार्केट से भी कुछ चीज़ें ख़रीद के और काफ़ी कम पैसों में अपना बुटीक का काम छोटा मोटा स्टार्ट कर सकती हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को एंड तक देखा करें और इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके बुटीक का काम करने के हवाले से। और मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताने वाली हूं और उनके रेट्स बताने वाली हूं कि आप कहां कहां से कैसे पैचेस वगैरह और कट पीस और इसी तरह और भी शिफॉन के पीसेस वगैरह, दुपट्टे वगैरह, ये मैं सब इन चीज़ों के रेट्स इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लिबर्टी मार्केट लाहौर आने के लिए आपको सबसे पहले फिरोज़पुर रोड पर कलमा चौक आना पड़ेगा और वहाँ से आप लिबर्टी मार्केट आ सकते हैं। इसी तरह जेल रोड वाली साइड से भी आप लिबर्टी मार्केट आ सकते हैं। तो ये जी लिबर्टी मार्केट की स्टार्टिंग हो चुकी है, ये मस्जिद बिल्कुल इसके सामने है और अब हम इंटर हो रहे हैं लिबर्टी मार्केट में। तो आइए अब अपना व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। जी तो नाज़रीन, ये हम एक शॉप पर आए हैं। शॉप क्या, ये इतवार बाज़ार लगाया हुआ आपने? जी इतवार बाज़ार लगाया हुआ है इन्होंने। ये लेसिस हैं सारी और अभी इनकी प्राइसेस पूछ के मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लेसिस हैं, फैंसी लेसिस भी हैं इसमें और ये क्रोशिया लेसिस भी हैं और ये दुपट्टों के लिए लेसिस हैं। अच्छा, ये कुंदन वाली जो लेस है ये दिखाइएगा ज़रा, ये ऊपर, ये जो ऊपर। हाँ जी, ये कितने की गर्ज दे रहे हैं? 250। ये नेट के ऊपर है, इंडियन है और ये नेट के ऊपर है 250 की एक गर्ज। और ये जो सारा, ये मुख्तलिफ इनकी प्राइसेस हैं। अच्छा, ये दुपट्टों के लिए हैं, ठीक है। और ये कितने से कितने तक इसकी प्राइस हैं? 20 से 45। जी तो ये आप देख सकते हैं, ये 20 से 45 तक मुख्तलिफ इसकी प्राइजेज हैं। और इसी तरह ये क्रोशिया लेसिस हैं सारी जी, ये दामन और बाजुओं पे लगती हैं, चोड़ी लगती हैं। और इनकी प्राइसेस कहाँ से कहाँ? जी ये क्रोशिया लेसिस हैं, 150 से स्टार्ट होके 500 तक हैं। और ये दुपट्टों के लिए ये जो छोटी लेस है ये कितने की? 35। आप इनकी प्राइस भी साथ साथ बताते हैं? ये 250 से स्टार्ट हो गया 500 तक है। मतलब कैसे लाइन वाइज अगर आप बता दें तो? जैसे ये है, ये 350 है, 350। हाँ जी, ये 250 है, ये 350 वाली सेकंड लास्ट वाली दिखाइएगा। ये देख सकते हैं ये 350 की है। काफ़ी अच्छी लेस बनी है, ये इंडियन लेसिस हैं सारी। बिल्कुल इंडियन, सही। ये देखो, अभी तो लगा नहीं है, सही तरह से पता लग रही है। हाँ, काफ़ी प्यारी है ये भी, ये भी 350। जी ये भी 350। जी तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी लेस भी जो है, फैंसी लेस, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये 350 में आपको एक गज़ मिलेगी। और इसी तरह इससे बढ़ के कीमतें भी हैं और इससे कम भी हैं। एक ये जो ब्लैक है ये दिखाइएगा, ये ब्लैक। हाँ जी, ये अच्छा, ये कितने की गज दे रहे हैं? ये 70 की गज, ठीक है। और ये नई चीज़ आई है, ये नई चीज़ है। हाँ जी, ये डिजाइनर लगा रहे हैं वो,
हाँ। इसमें कलर सारे हैं। ये वेलवेट पे है? नहीं नहीं, ये वेलवेट के ऊपर आगे नीचे पाइपिंग लगी। हाँ, पाइपिंग को डोरी पाइपिंग को गोल बना के तो वेलवेट के पीते के ऊपर लगाई हुई है। ये कितने की गाज है? ये 250 गाज है। 250। ये नाजिन ये डिज़ाइनर यूज़ कर रहे हैं और ये न्यू चीज़ है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है। ये इसी स्टाइल का नीचे दुकान है अपनी। ठीक है, संडे को बाहर लगाते हैं, आम दिन में। अच्छा, इसके ऊपर ये ग्रे काम हुआ है, ग्रे इसकी ये सिल्वर तिल है जी नाजिन। ये नेट की बनी हुई है, इस पर सिल्वर कलर में तिल है और ये ग्रे कलर में नेट की शर्ट है। अभी इसकी प्राइस पूछते हैं भाई से। ये यहाँ पे काफ़ी फैंसी शर्ट्स का ढेर लगा हुआ है संडे बाज़ार में। अभी आपको रेट्स इनके पूछ के बताते हैं। आपको इधर आएगा भाई? यह कितना? कितना? कितने की? ये 1000 की शर्ट है खाली। और फैंसी वैरायटी में इनके पास प्योर में भी है, ये पड़ी हुई वीसी में, और इसी तरह ये नेट पे भी हैं। ये भी शर्ट है, इस पे तिले का काम हुआ है और ये ऑर्गेन्जा पे है। ये भी 1000 की शर्ट है। अच्छा, ये देखें, ये गोल्डन और वाइट, ये बड़ी प्यारी लग रही है। निकाल लें भाई, निकाल लें। ये देखें, ये बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में। इसके अगर नीचे लाइनिंग वाइट लग जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगी और बहुत ही प्यारी। इस पर गोल्डन तिल्ले का काम हुआ है। ये शर्ट कितने की दे रहे हैं? ये 1200 की खाली शर्ट है। सही। एक ये मेहंदी, ये मेहंदी निकालें जरा गोल्डन। ये तो पैच लग रहा है। अच्छा, ये खाली पैच है, ये भी प्यारा लग रहा है। ये इतना पीस कितने का दे रहे हैं? 200 का ये पीस इतना सा दे रहे हैं। इसके साथ बाकी चीज़ें भी हैं। ये शर्ट का फ्रंट वाला हिस्सा है ना, बस इतना सा ही है। ये एज ए पैच हम यूज़ कर सकते हैं 200। ये इसके साथ दुपट्टा मैच करके उन्होंने दिखाया हमें, तो हम इसी तरह मैचिंग करके तो 500-600 में ये दुपट्टा और शर्ट फैंसी बना सकते हैं यहाँ से लेके संडे बाज़ार से। अच्छा, ये पिंक पकड़िएगा, ये जो पिंक और गोल्डन, ये भी पीसीज में देखेंगे। सीधी तरफ से काफ़ी प्यारा पीस ये लग रहा है और इसके साथ भी मुख्तलिफ चीज़ें मैच करके दुपट्टा भी यहीं से मैच हो जाएगा आपका और शर्ट बन जाएगी आपकी और दुपट्टा भी बन जाएगा तकरीबन 800 में जी। इसको डबल कर लेंगे, रेखो डबल करके ज़्यादा नज़र आएगा। हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये भी शर्ट है, काफ़ी प्यारी शर्ट है। और इसकी प्राइस क्या है? 1500 की। ये 1500 की शर्ट है, ये नेट पे हुई है, नेट पे बनी है और साथ इसमें तारों का काम है और तिल्ले का काम है, कढ़ाई भी हुई है इसके अंदर, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इनके पास, आप देख सकते हैं कि इन्होंने ढेर लगाया है। इसी तरह ये पैचेस का ढेर है, लेसिस का ढेर है और ये मुख्तलिफ पीसेस मैच करके मिक्स करके तो आप यहाँ से फैंसी शर्ट्स बना सकते हैं। भाई, आपके सामने जो गोल्डन पड़ी है शर्ट, ये दिखाइएगा ज़रा। देखिए, ये भी काफ़ी प्यारी शर्ट है, कलर बहुत प्यारा है ये गोल्डन में। इसके नीचे जब लाइनिंग लगेगी तो ये नेट है, तो ये काफ़ी अच्छी लगेगी। ये भी उतने की? 1500। ये भी 1500 की। मारिया बी के पैचेज हैं। अच्छा, ये देखें, ये गोल्डन वाला ज़रा निकालें,
ये जी मारिया बी के और काफ़ी ब्रांड्स के पैचेज हैं यहाँ पे इनके पास पड़े हुए, आपको ये काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये गले के तमाम पैचेज हैं। ये एक गला कितने में दे रहे हैं? ये 100 का एक गला दे रहे हैं। और ये वाइट वाले ज़रा पैच पकड़ें, और ये इसी तरह ये वाले पैच जो हैं इनकी क्या प्राइस हैं? ये बाजी बड़े जोंसे हैं, ये 100 के दर्जन। अच्छा, और इस तरह के जोंसे पकते हैं ये 50 रुपये। अच्छा ठीक है, बारीक वाले 50 रुपये गज, और ये जो चौड़े पैच हैं ये 100 रुपये गज हैं, और गले भी 100 रुपये के आपको मिलेंगे। काफ़ी वैसे रीज़नेबल हैं यहाँ पे, आपको कोई भी शर्ट, लॉन की शर्ट हो उस पर भी ये लग सकते हैं, फैंसी शर्ट पर भी लग सकते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए आज की हमारी ये वाली वीडियो, आप देख सकते हैं। तो अगर आगे पीछे दिनों में आना हो आपके पास, हमारे वेवर्स आए, उनको चाहिए हो कोई चीज़, सिर्फ संडे के संडे? वैसे 29G शॉप है अंदर हमारी। 29G शॉप आपकी अंदर है? ठीक है, प्रिंस सिल्क सेंटर 29G शॉप है इनकी, और वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी संडे के अलावा भी? नहीं, संडे से ये चीज़ें संडे को मिलेंगी। सही, ये बस संडे को उन्होंने बता रहे हैं कि संडे को स्टॉल लगता है ये। इनकी मुख्तलिफ प्राइसेस हैं? सेम कितने की? 600। ये प्योर पे है? ये नाज़रीन आप देख सकते हैं ये प्योर पे दुपट्टे बने हुए हैं। नीचे ब्लैक वाला दिखाइएगा जो आपने सबसे पहले ब्लैक वाला निकाला। ये देखें नाजिन कितना खूबसूरत दुपट्टा है, 600 इसकी प्राइस है। इसके ऊपर सितारों का और कढ़ाई का काम हुआ है, और कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं इसका। सिक्स हंड्रेड आपने सेल लगाई हुई है या फिर कमी बेशी हो जाएगी? ये संडे बाजार की सेल है। जी तो नाज़िन ये भी लिबर्टी मार्केट में ये पैचेस का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये चूँकि इतवार बाज़ार है और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ये दो पैचेस हैं। ये इनकी क्या प्राइस है दोनों की? 300 के दो, ठीक है। और इसके अलावा दिखाइएगा निकाल के कोई अच्छे अच्छे हाँ जी, ये दिखाइए, ये ट्राउजर का बना हुआ जी। और इसकी क्या प्राइस है? इसकी 200 है, ये 100 के बीच है। ठीक है, ये 200 के दो हैं और एक 100 का। और ये देखें ये दामन बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत है। इसकी क्या प्राइस है? 200। अच्छा, इसके साथ गला भी होगा या फिर खाली दामन? गला है छोटा, यहाँ पे यानी के ढूंढ के निकालना पड़ता है ना। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि पैचेस में भी हैं, दामन गले सब कुछ, और ट्राउज़र के पैच भी हैं। हाँ जी, प्यारा लग रहा है, इसका गला भी होगा साथ। इसकी आपने प्राइस क्या बताई है, गला और ये दामन? अच्छा, 200 दामन की। अच्छा, हाँ जी, ये भी दामन बना हुआ है, दामन की लेस है, चाहे तो आप ट्राउज़र पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे दामन और ट्राउज़र दोनों पे यूज़ हो सकते हैं। और ये इसी तरह ये एक लेस का बड़ा पैच है, ये आप लेस के तौर पे कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा कितने का है?
गज के हिसाब से 100 का एक गज, इसमें चार लाइनें ही होंगी। ठीक है, ये काफी खूबसूरत इस पे काम हुआ है, कढ़ाई का और सितारों का है। ये पैच कितने का? 200 का। ये तकरीबन एक गज है, ये 200 का एक गज पैच है। इसको आप ट्राउजर पे भी यूज कर सकते हैं और इसी तरह दामन पे भी। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छा आपको सजेस्ट कर सकते हैं आप अपना कोई भी ड्रेस शादी के लिए। ये भी सब पैचेज हैं, ट्राउज़र के पैचेज। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज़ है, ये किस लिए? ये डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये जैसे ट्राउजर के अंदर या दुपट्टा भी बन जाता है। ठीक है, और ये किस तरह गज दे रहे हैं? 120 एक गज। कपड़ा देखने में अच्छा है, कॉटन नेट कह रहे हैं इसको। सही, हाँ जी। तो ये ऑर्गेन्जा के पीस ये किस तरह दे रहे हैं गज? ये ऑर्गेन्जा आपको यहाँ से 100 का गज मिलेगा, लेकिन सिर्फ संडे बाजार में। जी तो नाज़रीन, एक दूसरे स्टॉल पे हम लोग आए हैं, ये भी संडे बाज़ार का उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है। और ये काफ़ी फैंसी जो है शर्ट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं इनके पास, अभी हम इनके रेट्स पूछते हैं। ये सारे तीन चार जो पड़े हुए हैं इनका। अच्छा, ये शर्ट का क्या रेट है? ये वाली 2000 की। ठीक है, और ये भी 2500। ये प्योर पे है? जी भाई। ठीक है, ये काफी खूबसूरत शर्ट है। इसकी क्या प्राइस है? ये 2700 की शर्ट है खाली। और इनके साथ दुपट्टे सिंपल? अच्छा ठीक है, खाली शर्ट जो है वो 2700 की है आपने बताई। और ये 2000, ये भी काफ़ी प्यारा इस पर काम हुआ है। और ये 2000 की बता रहे हैं भाई। और इनके साथ ये जामावार की शलवारें भी या कोई भी शलवार हम यूज़ कर सकते हैं इसके साथ? ये सलवार। अच्छा, ये भी कर लेते हैं। ये क्या नाम इसका बता रहे हैं? विस्कोस। ये कितने की सलवार दे रहे हैं? 600 की सलवार दे रहे हैं। कोई भी कलर इस पे डाई हो जाता है। सही। और राव सिल्क भी आपके पास मिल जाती है यहाँ से? ओरिजिनल जो एक नंबर है 80 ग्राम 60 ग्राम, 80 ग्राम वाली भी 60 ग्राम मिल जाएंगी आपसे ही मिलेंगी जी। तो आप किस तरह वो दे रहे हैं, 80 ग्राम वाली किस तरह दे रहे हैं शलवार? 80 ग्राम आपको मिलेगी 3250। और 60 ग्राम की? 60 ग्राम आपको मिलेगी 2800 की। ठीक है, और इतवार बाजार और आगे पीछे दिनों में फर्क है रेट में या एक ही? ठीक है, और ये ऑर्गेन्जा टिश्यू है ये गोल्डन वाला जो? हाँ जी। अच्छा, ये किस तरह गज दे रहे हैं? 350 रुपये गज। सही, इसी तरह इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। ये आप देख सकते हैं, अगर आप शलवारों के लिए भी या पाइपिंग के लिए लेना चाहें तो ये 750 का शमो सिल्क का सूट आपको मिलेगा यहाँ से इतवार बाज़ार में। अदरवाइज़ इसके रेट और हैं।
इसमें कलर आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कलर पड़े हुए हैं। कमी बेशी हो जाएगी अगर लेना हो तो? सही। जी ये एक और स्टॉल है, यहाँ पे भी फैंसी शर्ट्स पड़ी हुई हैं, अभी इनके रेट्स आपको बताते हैं। भाई ये दिखाइएगा शर्ट, ये क्या कपड़ा है? ऑर्गेंजा, प्योर ऑर्गेंजा, और इसके ऊपर ये तिले का काम हुआ है। कितने की शर्ट दे रहे हैं? 1200 रुपये गज। दिखाइएगा ज़रा नज़दीक करके। ये प्योर ऑर्गेंजा है और इस पे ये तिले का काम हुआ है। 1200 रुपये गज दे रही हैं ये शर्ट। फैंसी शर्ट है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और ये जो गोल्डन में ये नीचे पड़ी हुई है शर्ट, ये भी ऑर्गेंजा पे है, वो जरी में है, ये तिले का काम है। ठीक है, ये भी जरी में है, ये नीचे वाली, ये वाली भी जरी, ये नीचे वाली दोनों जरी में है। जरी आप देख सकते हैं ये कैसे, और इनकी क्या प्राइस है? जरी वाली सेम रेट है, 1200 रुपये गज। सही। आपने ये ज्वेलरी भी लगाई हुई है। ये इस झुमके के क्या रेट्स हैं? 600 रुपये में है, जो सा मर्जी ले लो। 600 में जो सा मर्जी, जो सा मर्जी। शॉप पे ये वाले जो एयरिंग है ये 25 में सेल होते हैं, 22-25। ये आज संडे की वजह से 600 में, जो सा मर्जी। ये पकड़ के ज़रा दिखाएं, ये ज़रा पकड़। जल्दी आ जा। ये 600 इसका रेट है। ये पकड़े ये वाला भी। ये भी 600 है, काफ़ी प्यारा ये सेट है। तुसी फड़ो जरा ते नाल दस भी जो ताके। हाँ जी ये बताएं ना, शॉप का भी बताएं, जैसे आप बता रहे हैं ना जी। इनकी क्या प्राइस है भाई? ये 600 के हैं, सेल में लगे हुए हैं। ठीक है, वैसे ये शॉप पे 2000 तक सेल होते हैं, 1800-2000। ठीक है, सही। और इसी तरह ये ब्लू वाला भी सेम रेट है, जो सा मर्जी ले। सही। ये देखें जी ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये हम लिबर्टी मार्केट में आए हुए हैं, तो वहाँ से देखते हैं कि क्या क्या हमें मिल सकता है। जी ये अम्ब्रेला बनी हुई है, कितनी प्यारी। अच्छा ये वेलवेट का कपड़ा है और इसके ऊपर ये गोटा किनारी लगाई हुई है, वो इसके टसल्स भी लगे। अच्छा हाँ जी, ये देख सकते हैं नाज़रीन आप कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और ये छोटी अम्ब्रेला है, ये बड़ी अम्ब्रेला है, ये देख सकते हैं। ये फैंस बने हुए हैं, हैंड फैन, और ये भी बड़ी अम्ब्रेला, ये कलरफुल है, ये देखें। और एक ये रेड कलर की है, और एक ये भी बड़ी। ये भाई आप खुद बनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लिबर्टी मार्केट के अंदर 20 साल हो गए हैं, वैसे अपना काम करते हुए मुझे 4 साल हो गए हैं। और लिबर्टी मार्केट के अंदर जितनी भी शॉप्स है ना मेहंदी डेकोरेशन की, वो सारी मेरे हाथों की डेवलपिंग है। किसी के किसी का अपना अपना, अब अलहमदिल्ला ये अपना मेरा, शुक्र अलहमदिल्ला, 4 साल से ही कर रहा हूँ। एक ही डिज़ाइन, एक ही स्टाइल, मेरा स्टाइल भी नहीं चेंज हुआ, डिज़ाइन भी चेंज। तो ये क्या प्राइजेज हैं इनकी? ये वाली जो है छतरी, ये 2000 रुपये की है। 2000? ये 800 रुपये की है, वो मल्टी 1200 की है, एक कलर 1000 रुपये का है, ये 1500 रुपये की है, ये 2500 की है, ये 2500, और हैंड फैन 350 का। 350 का, ये देखें बहुत ही खूबसूरत हैंड फैंस बने हुए हैं 350 के।
हवा भी देते हैं कि बस वो क्यों नहीं हवा देते सही। अच्छा इसके अंदर आपने क्या लगाया हुआ, एक्स्ट्रा एक्स-रे लगाया हुआ? अच्छा प्लास्टिक फैन इसके अंदर है और उसके ऊपर डेकोरेशन किया हुआ है। और ये ज्यादातर शादी ब्याह पे दिल खुश करना है, जहां जब मर्जी जहां मर्जी सही सही। और आपका नाम क्या है भाई जान? फहद मकसूद मेरा नाम है। आई एम इवन टू नजर, आई एम प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज ऑफ वेडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब मेरी सेकंड बेसमेंट में क्रिस्टल टावर सेकंड बेसमेंट में मेरी शॉप है, तो वो वर्कशॉप है। अच्छा मैं करता हूँ ऐसे चल फिर के, फिर मैं इसको सारा अपने साथ बांध लेता हूँ, सारा सारा इकट्ठा, ये सारा सामान मेरे हाथ में होता है। अच्छा एक वक्त में मेरे पास 20 से 25 हज़ार रुपये का सामान होता है। सही, तो सही। ये फिर चल फिर के सेल करता हूँ। क्रिस्टल टावर, क्रिस्टल टावर लिबर्टी मार्केट, लिबर्टी मार्केट जी। तो नाज़रीन आप यहाँ का जब भी विजिट करें, अगर आपको इनमें से कोई चीज़ चाहिए हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और इन भाई से आप ये चीज़ें ले सकते हैं और ये प्रोवाइड भी करते हैं। और इनकी अपनी वर्कशॉप है यहाँ पे, ये नीचे बता रहे हैं। ये क्या वैरायटी लगाई हुई आपने? लॉन लॉन में? अच्छा ये शर्ट्स हैं सारी जी। किस तरह दे रहे हैं? 750 में शर्ट है भाई। 750 में लॉन, ज़रा चेक कराइएगा। कौन सी लॉन है ये जी? नाज़रीन आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, झुमकों में, इयररिंग्स में, बहुत ही खूबसूरत वैरायटी पड़ी हुई इनके पास। एंटीक्स में भी पड़ी है और वैसे भी गोल्ड में भी। ये बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स हैं। इनकी क्या प्राइस है भाई? कौन से बाजी? ये वाले, ये 500 के का। 500 ये देखें, 500 के हैं, काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप फाड़ के ना, और ये एक है, ये अलग है जी। इसकी क्या प्राइस है? सेम प्राइस है भाजी, 500 जी भाई। ये थाई के हैं, ये चाइना के नहीं है भाजी, ये खराब नहीं होते। अच्छा थाई के हैं जी। सही, काफ़ी प्यारा है ये। अजी ये शॉप के ऊपर 1200 के, 900 के, 1000 के, ये उन लोगों ने ये रेट रखे हैं जी। हम तो स्टॉल वाले रेट बता रहे हैं। और इन जो तमाम स्टॉल पे हैं इनके 500 जी प्राइस? नहीं बाजी, 200 से लेके 2000 तक। अच्छा 2000 वाले दिखाएं, वो कौन से? हाँ बड़े बढ़िया लगते हैं। ये तो मैं कभी भी ना पहनूं। ये 1500 की बाजी बोला जी, ये 1500 जी बाजी, ये 1500। अच्छा इसमें क्या खास बात है? पुल्की में है बाजी, पुल्की की क्वालिटी जो होती है। अच्छा जी वो चीज़ है। सही, ये सेट भी वो ही क्वालिटी है, ये खराब नहीं होते, ये खराब नहीं होते जी। नाज़रीन ये पोल की क्वालिटी बता रहे हैं भाई, तो ये खराब नहीं होते, ये थोड़े महंगे हैं
अच्छा, ये सेट कितने का बता रहे हैं आप? ये सेट बाजी ये 5000 का। 5000 का? जी जी, इसके इयरिंग भी साथ हैं। अच्छा, ये इसके इयरिंग, ये देखें नाज़रीन, ये इयरिंग्स भी हैं और साथ में ये गुलूबांदा बना हुआ है। और एक ये कुंदन का सेट, ये दिखाइएगा ज़रा। कुंदन के तो काफ़ी वैरायटी बढ़ी है जी। इसके साथ एयरिंग्स भी हैं? जी जी, इसके ऐसे एयरिंग होंगे लेकिन नीचे ये पल्स होगा। अच्छा, देखो ना, चीज ऊपर नीचे यही लगे। सही पड़े हैं इधर ही। सही, तो ये कितने का सेट दे रहे हैं? ये 1500 का सेट। 1500 जी, 1500 जी जी, ठीक है। ये कुंदन में है, ये 6000 का है। 6000 का जी जी, सही। ये ब्रेसलेट है? ये 2200 की इयरिंग है जी। नाज़रीन ये देखें, ये मेहंदी वगैरह के लिए जी ना जी, काफ़ी 2200 अच्छा, की है। 2200 जी जी, ठीक सही। और इसके अलावा कोई नई वैरायटी ऐसी के जो अभी यूनिक हो? ये इयरिंग है, ये लगे सारे कलर जी, 1250 के हैं। 1250 सही। ये कुंदन के हैं? जी जी, कुंदन के हैं। एक और भी कुंदन में है, वो भी दिखा देते हैं। ये चांद बाली कुंदन में है। अच्छा, ये कितने का आप दे रहे हैं? 1500 की है। ये भी 1500 जी। इसमें एक छोटा सेर है, जो ज्वलन सही सेर है, ये बड़ा सेर सही। इस्लाम में कुंदन में वैरायटी सही। ये भी 1500 जी बाजी, ये भी 1500 के, ये 1250। अच्छा जी, तो नाज़रीन आपने प्राइस हमने आपको बताई है, पूछ पूछ के आप देख सकते हैं कि ये लिबर्टी मार्केट की ये स्टॉल है ज्वेलरी का, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं मुख्तलिफ रेट्स हैं इन चीज़ों के, और काफ़ी प्यारे लग रहे हैं ये ज्वेलरी के। एयरिंग्स भी हैं इनके पास, और इनके पास और पूरे सेट भी हैं जी। चांद झुमर इसको कहते हैं, चांद झुमर, ठीक है। ये कितने का दे रहे हैं? ये 1800 है। ये 1800 का, यानी कि 1800 रुपये का खाली झुमर। जी जी, खाली झुमर है जी। इसका सेट पूरा बन जाएगा, उसका गले के। अच्छा, गुलूबान, ठीक है। और उसका झुमर है, वो जो बाली दिखाई है वो उसकी एयरिंग है। अच्छा, ऐसी उसकी बिंदी है। अच्छा, बिंदिया ये है, ठीक। तो ये आप सेट बना के इनको रखें, आपने अलग अलग रखा हुआ? वो किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, जो चाहिए ले लें। ये तो है, पूरा मुकम्मल सेट चाहिए तो हम सेट भी बना देते हैं। सही, तो पूरा मुकम्मल सेट इसका कुंदन का, ये झूमर बिंदी और साथ में एयरिंग्स और गुलूबंद, ये कितने का बने? ये 6000 का बनेगा। ठीक है, ठीक है, 6000 का सही। और ये कितने के? 950 के। खाली झुमके ही हैं ये? ये झुमके ही हैं। इसमें क्या, इसकी खूबी क्या है? ये जो होता है प्लेन जी, नेट पॉलिश होती है, ये खराब नहीं होती। ये खराब नहीं होती, खुशबू लगने से भी खराब नहीं होती। ये नहीं होता खराब। सही, ये इसकी ये क्वालिटी। सही जी, तो इनके पास काफ़ी यूनिक और एंटीक वैरायटी है, आप देख सकते हैं ये इस टाइप में भी जी। अच्छा, ये जो है, ये इसकी क्या प्राइस है? ये 350 जी। सही, ये नई चीज़ है, इयरिंग है, ये 1200 के हैं। 1200, ठीक है।
तो अगर आपके मतलब आप तो आज इतवार बाजार में आपने ये लगाया हुआ है जी, नहीं, तो आपकी कुछ हो? हम प्रॉपर इधर ही आप प्रॉपर इधर स्टॉल लगाते हैं ठीक है। और इतवार बाजार में ये मुख्तलिफ प्राइस हैं या फिर इतवार बाजार में प्राइस थोड़ी सी कम होती है? कम होती है 200, 400, 300 यानी कि देख लें जो 12 की ये इसका 9 हो जाएगा, 300 इसकी प्राइस जो है 200 भी कम होगा। अच्छा सही। ये अच्छे लग रहे हैं ये इसी की बाली है जो आप देख रहे हैं। अच्छा ये कहेंगे ये पड़े हाँ जी वो ही पॉलिश ये खराब नहीं होगी ये खराब नहीं होती खराब। अच्छा पॉलिशें खराब इसका कोई खास ब्रांड जैसे कि आपने वो उसका बताया था ना हमें ये मैट पॉलिश है मैट पॉलिश ये खराब नहीं होती सही ये मैट में है इसके देखने टॉप भी पड़े अच्छा ये मैट काफी प्यारे लग रहे हैं। अच्छा इयररिंग है ये टॉप्स है ये पॉलिश चमक अच्छा। नहीं ना और इनकी प्राइस डल ही रहना है हाँ जी इनकी प्राइस क्या 750 ठीक है 750 है ये 500 के 500 अच्छा हाँ जी ये मुझे ये अच्छे लग रहे हैं वैसे जी आप ले लें आपको तो डिस्काउंट भी मिलेगा अच्छा आप ले लेंगे अच्छा ये आपको पसंद आए हाँ वही कह रहे हैं ये कितने के दे रहे हैं ये 450 के आपके लिए 300 ठीक है आप ये ले लें अच्छा चलें देखते हैं नहीं, आप ये तो ले लेना आप ये खड़े हैं ये तो आप लेके जाएं चलो आपको ये पता होगा भाई के पास ठीक डिजाइनर के तो आपको पता है काफी जाहिर है वो तो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं जी हाँ जी तो ये कितने का आप बता रहे हैं 1500 ये जी नाज़रीन मैसूरी शिफॉन में ये शर्ट है 1500 इसकी प्राइस है और ये डिज़ाइनर की एक ग्लास कॉपी है काफ़ी अच्छी शर्ट है शादी ब्याह के लिए आप देख सकते हैं और इसी तरह ये भी जी लॉन में है ये फ्रंट साइड से भी देख लें आगे शिफॉन के लगे हुए हैं जी सही और ये कुर्ता कितने का दे रहे हैं ये तकरीबन एक ही प्राइजेज हैं बाकी थोड़ा सा फर्क है ऊपर नीचे कर अच्छा, लेते हैं थोड़ा सा 1300 तक दे देते हैं ये वाला आगे वाला जी और ये सिर्फ संडे बाजार में आपका रेट जी बाकी आम रूटीन में भी लगता है उसमें थोड़ा ज्यादा होता है अच्छा संडे बाजार है ना कम लेते जी इसमें कलर काफी हैं इनके पास प्यारे कलर हैं काफी खूबसूरत लग रहा है ये और ये तमाम जो लगी हुई आपके पास इनकी प्राइसेस तकरीबन 1000 से वाले के पीछे वालों की सेम है आगे वालों की थोड़ी डिफरेंट है उनके डिजाइन के मुताबिक सही इसके ये बताइएगा ये 2000 में है 1800 तक फाइनल दे देते हैं कस्टमर को इसमें और भी हैं कलर्स जी इसमें वाइट कलर है अच्छा इसमें ब्लू कलर है सही और ये ब्लू वाला ये भी तकरीबन इतने में ही है ये शिफॉन के ऊपर बना हुआ पाकिस्तानी शिफॉन के ऊपर ये भी इसी तरह स्किन में अच्छा 1800 तक सही जी ये ब्लू में है ये भी पाकिस्तानी शिफॉन है यानी कि प्योर शिफॉन नहीं है और ये भी 1800 की शर्ट दे रहे हैं और इसी तरह ये पीछे भी मुख्तलिफ वैरायटी में पड़ी हुई हैं शर्टें और ये मुख्तलिफ इनकी प्राइजेज हैं लेकिन जान देख ये जी संडे बाज़ार में ये इन्होंने खुस्से और जूतियों की शॉप जो है ये यहाँ पे लगाई हुई आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत वैरायटी है इनके पास और अभी इनकी प्राइजेज भी पूछते हैं कि क्या प्राइजेज हैं इनकी ये देखें कितने खूबसूरत सैंडल हैं कैजुअल यूज़ के लिए और इसी तरह ये खुस्से भी इन्होंने लगाए हुए हैं और इसमें ये मोतियों वाले खुस्से भी हैं गोल्डन में और कढ़ाई वाले खुस्से हैं और
950 प्राइस है, संडे ऑफ, और 1250 वर्किंग डेज में। एक्चुअल प्राइस 1250 जी। ये क्या साइज है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल पहनने के लिए, 8-10 साल की बच्ची। हाँ जी, इजीली आ जाएगा। सही। और इसके साथ ये टाइट्स, इसकी क्या है प्राइस? टाइट्स तो अलग कैटेगरीज में है, ऑनवर टाइट्स 250 से लेके 1000 तक टाइट्स खरीद लीजिए। अच्छा ठीक है, ये सही। तो ये वाली पैंट जो है ये कितने की दे रहे हैं? आपको 1000 रुपये में मिलेगा विद फोर पॉकेट्स। अच्छा 1000। ये स्टॉक क्या है जी? तो नाज़रीन, अब लिबर्टी बाज़ार फिर के हमें काफ़ी भूख लग गई और तलब हो रही थी कि कुछ खाएं पिएं, तो ये यहाँ पे हम आए हैं अल मशहूर हाफ़िज़ पापड़ी चाट वाले, और यहाँ से जी गोलगप्पे भी हैं यहाँ पे। आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ का विज़िट करें, खाने पीने को दिल करे। और ये इनके शौरमे भी काफ़ी मशहूर हैं यहाँ के। हाँ जी, क्या खाना पीना फिर? मैं फ्रूट चाट खाऊंगा। फ्रूट चाट मेरा दिल कर रहा है खाने को, तो अच्छा उसके लिए बड़ी मज़ेदार है। क्रीम चाट होती है, और ये आप देख सकते हैं हम होटल लिबर्टी में मौजूद हैं, और ये यहाँ पे मार्केट भी सारी खाने पीने वाली है। आपको भी दिखाते हैं और आपको उसके टेस्ट के मुताबिक भी बताते हैं, तो देखते हैं आपको कैसा जायका होता है यहाँ पे। अच्छा, इनके पास क्रीम चाट भी है, उन्होंने लिख के लगाया हुआ है, क्रीम चाट भी है, स्पेशल क्रीम चाट, वो सामने लिखा हुआ है। बाजार आए और फिर खाएं पिए ना, तो ये भी फिर खाना पीना तो बनता है ना। हाँ जी, वैसे भी समनाबाद से लिबर्टी थोड़ा दूर पड़ जाता है, और हम सुबह के निकले हुए हैं व्लॉग बनाने के लिए। तो बारिश हुई है ना थोड़ी, इसकी वजह से कुछ लोगों ने अपनी दुकानें वगैरह समेटी हैं, तो हाँ जी रात भी काम हो गया, ऊपर से आज संडे है, छुट्टी वाला दिन है, तो ये देखें जो हमारी फ्रूट चाट आ गई है जी, इधर ही रखें इसको, हम आपको खा के भी बताते हैं। अच्छा जायका है, और यकीनन आप हाफ़िज़ जूस वालों के पास आएँ तो आपको फ्रूट चाट नहीं पड़े, यहाँ पे हर चीज़ खाने को मिल जाएगी, इनका टेस्ट भी अच्छा है, ये आप देख सकते हैं हमने भी खाई है, फ्रेश है ये, इसे क्योंकि इन्होंने इसमें फलों की वैरायटी ज़्यादा डाली हुई है, तो ये इसका फ्रूट चाट का जायका अच्छा है, तो ये इसमें जितने फ्रूट ज़्यादा होंगे चाट उतनी ही जायकेदार और अच्छी होगी। तो आपको पता कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारा खाने पीने के बगैर गुजारा नहीं होता, क्योंकि हम लौड़िए हैं, तो लौड़िए तो कोई चीज़ ना भी खरीदा तो खा पी के तो ज़रूर आते हैं, तो आप अगर मेरे साथ ये महसूस कर सकते हैं फ्रूट चाट का जायका, तो आप भी देख के कर सकते हैं,